हाय गाइस, तो आज मैं लेके आए तुम्हारे लिए एक बहुत ही ऑसम मॉड जिसमें हम लोग स्पॉन कर सकते हैं मिथिकल क्रिएचर्स। हाँ, वो ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि आधा घोड़ा आधा इंसान, बिना पैर का पूरा मकान। वाह, क्या राइम कर दी मैंने। तो यार चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस हम आ चुके हैं। ए शिप, चल जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर नहीं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर, जल्दी कर। ए रुक, ये ले, अब तेरी बारी है। अबे कौन है भाई? ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। ये विलेजर है क्या? नहीं, ये विलेजर नहीं है, ये वो वेयरवुल्फ है जो रात में भेड़िए बन जाते हैं। इसके लिए तो हमें रात करनी पड़ेगी। मैं आगे और लोगों को ढूंढती हूँ। तो गाइस मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे स्पॉन एग्स। तो सबसे पहला मॉन्स्टर हम स्पॉन करने जा रहे हैं, इसका नाम है ऑर्क। अरे ये तो श्रेक है। ए तो गाइस ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, ये हरा आदि मानव है। ओए तूने सब्सक्राइब करा क्या? तो गाइस मैं ना सर्वाइवल में जाके देखती हूँ कि क्या ये मुझे मारेगा। तो हम लोग फटाफट से सर्वाइवल में जाते हैं। अबे ओ माय गॉड, इसने मुझे एक हिट में ही उड़ा दिया। तो गाइज उस ऑर्क के बच्चे ने तो मुझे एक हिट में ही टपका दिया, लेकिन मैं अब की बार दूसरा वाला स्पॉन करती हूँ। तो इसका नाम है विवरन। तो पता नहीं क्या है, क्या है ये, डायनासोर? ओ इसके तो पंख भी हैं। वाओ। तो गाइज अब अगला है हमारा नेक्रोमेंसर, और अब मैं इसको यहाँ पे स्पॉन करती हूँ। ये कुछ करता नहीं है क्या? अरे आई गेस ये सब ना सर्वाइवल में ही काम करने वाले हैं। तो मैं सर्वाइवल में जाती हूँ। ये यहाँ पर भी आ गया अभी। ओए तो गाइस मैं सर्वाइवल में बाद में जाऊंगी, सबसे पहले मैं तुमको सारे स्पॉन करके दिखा देती हूँ। ये है मिनोटॉर। ओ माय गॉड, अभी ये कौन है भी? गाइस इसका यहाँ पर हाथ में पता नहीं थॉर का हथौड़ा लेके आए क्या। ये ले भाई, हम लोग तो क्रिएटिव हैं। अब हम लोग स्पॉन करेंगे वेयर वुल्फ, लेकिन मैं उसको बाद में स्पॉन करूँ क्योंकि जब नाइट हो जाएगी तभी ये काम करेगा। और अब हमारा आता है वॉरियर स्केलेटन। इसमें क्या वॉरियर वाला है? अच्छा इसके हाथ पे स्वॉर्ड है, बो नहीं है। चलो मैं इसको यहाँ स्पॉन करती हूँ। लल्लू। तो गाइस अगला है हमारा नेसी, और ये क्या है? ओह कितना क्यूट है ये। इसको मैं पानी में स्पॉन करूंगी। तो पानी में स्पॉन ही नहीं होता। अबे तो गाइस हम लोग इसको ऊपर ही स्पॉन कर सकते हैं। अगला हमारा लास्ट, जिसका नाम है सेंटोर। ओके तो ये है हमारे आधे घोड़े और आधे इंसान। गाइस तो ये हमारे फ्रेंडली होते हैं, ये हमें कुछ नहीं कहते जब तक हम इन पे अटैक ना करें। तो अरे ये क्या हो रहा है, लगता है इन लोगों की फाइटिंग हो गई और ये मर चुका है। तो गाइस अब मैं जाऊंगी सर्वाइवल में, मैं ये खतरा उठाऊंगी पूरे नेदरराइट के आर्मर के साथ। तो चलो यार शुरू करके देखते हैं। तो गाइस हम लोग सर्वाइवल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वेयर वुल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हूँ, और इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रात। तो 5 मिनट वेट करो। ओके तो अब हो जाएगी रात, और अब हम लोग स्पॉन करते हैं यहाँ पर वेयर वुल्फ। तो तुम लोगों को जैसे कि दिखाई दे रहा है अभी वो ट्रांसफॉर्म होगा। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसको डैमेज पड़ रहा है, लेकिन ये अभी वेयर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओ माय गॉड। तो गाइस ये हमारे मूवियों का वेयर वुल्फ लग रहा है। ये क्या रैबिट जैसा बना रखा है इसको। क्या नाम है तेरा? ओए तो गाइस अब हम लोग जाएंगे सर्वाइवल में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ सर्वाइवल में, लेकिन मैं ऊपर चढ़े हुए हैं ताकि ये लोग मुझे देख के मार ना दें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझ पर अटैक जरूर करेंगे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे घूम रहे हैं ये। तो गाइज यहाँ पर देखो कितने सारे ऑर्क भी हैं, और ये पता नहीं मुझे मारेंगे कि नहीं। मैंने पूरा नेदराइट का आर्मर पहन रखा है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, और मेरे हाथ में एक नेदराइट की स्वॉर्ड भी है, पर पता नहीं ये मुझे मारेंगे कि नहीं मारेंगे। और चल मार के दिखा भी, इधर आना। नहीं आ रहा, और मुझे लगता है ना कि वही जंगल है जिसमें स्पॉन होते हैं। ओ माय गॉड अबे चल। तो गाइस सारे ऑर्क मेरे पीछे पड़ चुके हैं।
ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, मारो मत, मारो मत। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राइट का आर्मर एक बार में उड़ा दिया, और पीछे क्या कर रहा है बे। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस कैसी लगी तुम लोगों को मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही मॉड्स की और वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट करके बताना, मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। डुबकी मारो।